हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल चार यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी। पहले यूनिट में इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मीनिंग पढ़ोगे आप, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति क्या होगी, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, और नॉन अलाइनमेंट और बियॉन्ड कंसेप्ट पॉलिसी एंड रिलेवेंस। फिर है चेंजिंग रिलेशन विद ग्लोबल पावर्स फ्रॉम कोल्ड वॉर टू द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, कोल्ड वॉर से लेके उसके बाद के एरा से जो रिलेशनशिप चेंज हुए इंडिया के अलग अलग मुल्कों के साथ, जिसमें यूएसए है, रशिया है, चाइना है और यूरोपियन यूनियन है, उसके बारे में पढ़ोगे। फिर है इंडिया एंड द नेबरहुड इशूज़ एंड चैलेंजेस, इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो गए और माइग्रेशन और रिफ्यूजी का इशू हो गया और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया। इसके बाद है इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें आप पढ़ोगे इंडिया का इंगेजमेंट क्या था मल्टीपोलर फोरम में, नेगोशिएशन ऑन ट्रेड या क्लाइमेट चेंज, और इंडिया एज अ ग्लोबल पावर प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। नाउ अब हम आ गए हैं इसके क्वेश्चन पेपर की तरफ। 90 नंबर का पेपर आएगा, किन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। आंसर पूरा या तो इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक क्या हैं। इसके बाद है डिस्कस इंडियाज रोल इन नॉन अलाइन मूवमेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका पर चर्चा कीजिए। देन बॉर्डर इशू कंटिन्यू एज अ मेजर इशू इन इंडिया चाइना रिलेशन, एक्सप्लेन। भारत चीन संबंध में सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा है, विश्लेषण कीजिए। और डिस्क्राइब द ट्रेड परस्पेक्टिव बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, एक्सप्लेन इट विद सुइटेबल एग्जांपल्स। भारत और यूरोपियन संघ के बीच व्यापार की बढ़ती संभावनाओं का वर्णन कीजिए, उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसकी व्याख्या करें। इवेल्युएट इंडिया यूएस रिलेशन इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, उत्तर शीत युद्ध काल में भारत अमेरिका के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए, और इंडो रशियन रिलेशंस हैव अंडरगोन अ मेजर चेंज विद द चेंजिंग टाइम, एक्सप्लेन। भारत रूसी संबंध में समय के साथ बड़ा बदलाव आया है, व्याख्या कीजिए। दोस्तों यूनिट 2 जो है कि इंडिया के चेंजिंग रिलेशन क्या है अलग अलग कंट्रीज के साथ कोल्ड वॉर के बाद, तो हर एक कंट्री के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो यूनिट 2 जो आपका है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंडिया इन G20, एक ग्लोबल परस्पेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। G20 में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जिस टाइम लास्ट ईयर ये पेपर हुआ था, उससे पहले ही G20 से पहले ही ये सेमेस्टर का एग्जाम्स हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इवेलुएट इंडियाज रोल एज एन इमर्जिंग पावर इन द एग्जिस्टिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड, वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में भारत की उभरती शक्ति की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके बाद क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेष संदर्भ में भारत के बढ़ते हुए प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एंड लास्टली किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट टिकना है, क्वाड पे इंडियाज रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और टेररिज्म। यूनिट 2 और यूनिट 3 में कुछ क्वेश्चन लिंक करके भी आए हैं, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट करके और लिंक करके क्वेश्चन आ गया चाइना के साथ, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो वापसी अगर हम इसके पेपर पर आते हैं, तो यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जी, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं सीधा सीधा यूनिट 2 में से, और यूनिट 1 में से भी 2 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं, ठीक है। यूनिट 3 में टेररिज्म पर शॉर्ट नोट पर क्वेश्चन बना हुआ है, और बॉर्डर डिस्प्यूट के संदर्भ में चाइना का क्वेश्चन आ गया, तो यूनिट 2 रिलेट करके एक साथ क्वेश्चन आ गया, और मल्टीपोलर वर्ल्ड में ग्लोबल पावर के संदर्भ में क्वेश्चन आया हुआ है, भारत का क्या नेगोशिएशन होता है ट्रेड में, क्लाइमेट चेंज में, क्वेश्चन इनमें से भी बने हुए हैं। तो लगभग हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक में से लगभग क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, कुछ एक दो टॉपिक को हटाकर। तो अपने आप में सारे ही टॉपिक्स इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी टॉपिक आप उठाओगे तो उसको कंप्लीट करके जाइएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।